बड़ी खबर लखनऊ से है। भ्रष्टाचार पर योगी प्रहार हुआ है, पीसीएस अधिकारियों का उन पर कार्रवाई हुई है। पीसीएस अधिकारियों पर मुख्यमंत्री ने की कार्रवाई, 5 पीसीएस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। महेश प्रकाश, सतीश चंद, संजय कुमार निलंबित, मनोज प्रकाश और अशोक कुमार गुप्ता बर्खास्त। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, भ्रष्टाचार पर योगी प्रहार, पीसीएस अधिकारियों पर मुख्यमंत्री की कार्रवाई, 5 पीसीएस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। महेश प्रकाश, सतीश चंद, संजय कुमार निलंबित, मनोज प्रकाश और अशोक कुमार गुप्ता को बर्खास्त किया गया। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की गई। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, भ्रष्टाचार पर कुछ भी मंजूर नहीं है सरकार को, पीसीएस अधिकारियों पर गिरी है गाज, 5 पीसीएस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। महेश प्रकाश, सतीश चंद समेत मनोज प्रकाश और अशोक कुमार गुप्ता बर्खास्त। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जीरो टॉलरेंस पर, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती उत्तर प्रदेश की सरकार, भ्रष्टाचार पर हुआ है योगी प्रहार, पीसीएस अधिकारियों पर मुख्यमंत्री ने की है कार्रवाई, 5 पीसीएस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। महेश प्रकाश, सतीश चंद, संजय कुमार निलंबित किए गए। महेश प्रकाश, सतीश चंद, संजय कुमार निलंबित, मनोज प्रकाश और अशोक कुमार पर भी गिरीगाज, बर्खास्त किए गए। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई हुई है, भ्रष्टाचार कतई भी मंजूर नहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को। पीसीएस अधिकारियों पर मुख्यमंत्री योगी की कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई, 5 पीसीएस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। महेश प्रकाश, सतीश चंद, संजय कुमार निलंबित। रेजिडेंट एडिटर जुड़ रहे हरेंद्र चौधरी हमारे साथ, हमारे सहयोगी हरेंद्र। जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार पर कुछ भी मंजूर नहीं है योगी सरकार को, मुख्यमंत्री योगी को, और उसी के तहत पीसीएस अधिकारियों पर गाज गिरी है। बिल्कुल, देखिए पंकज, जब बदायूं की दासागंज तहसील का जब यह मामला सामने आया था, उसी वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए थे कि जीरो टॉलरेंस की जो उनकी नीति है उसके तहत इस तरह का भ्रष्टाचार जो है कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो डीएम ने डीएम के स्तर पर जो जांच हुई थी, उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया था कि दासागंज तहसील का जो कोषागार है, कोषागार वहां पर करीब 5,78,00,000 रुपए के गबन का जो आरोप था, 2013 से लेके 2019 तक 6 साल तक लगातार वह काम जो है जो बिक्री में वो गबन किया जाता रहा। और बाद में जब जांच के दौरान इस बात का खुलासा हुआ, तो उसी दौरान 24 जनवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में की गई थी। 13 अधिकारी, जो 3 वरिष्ठ कोषाधिकारी समेत जो 13 लोगों को इसमें निलंबित किया गया था, और जो 10 जो अधिकारी जो निलंबित किए गए थे वो तहसीलदार स्तर के थे। और अब इसी मामले में जो लगातार, चूंकि जांच अभी चल रही है और 6 साल तक लगातार ये गबन को इसको अंजाम दिया जाता रहा है, तो जो नए तथ्य सामने आए उसको आधार बनाते हुए तत्कालीन जो तहसीलदार रहे दासागंज तहसील में, उनके और जो मौजूदा उप जिलाधिकारी हैं उनके खिलाफ ये निलंबन की कार्रवाई की गई। 5 पीसीएस अफसर जो है निलंबित किए गए। दासागंज तहसील के जो तत्कालीन तहसीलदार महेश प्रकाश, सतीश चंद्र, संजय कुमार, अशोक कुमार और मनोज प्रकाश को निलंबित किया गया। और सीधे तौर पे जो आरोप इनके ऊपर रहे थे कि गबन के दौरान इनकी जो भूमिका है। ठीक हरेंद्र, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो 5 पीसीएस अधिकारियों पर गिरी है गाज।